छोटा सा पहाड़ी गांव में गणेश और उसकी बीबी लक्ष्मी रहते थे। उन दोनों का कोई औलाद नहीं था। गणेश बहुत गरीब था। वो नजदीक के पहाड़ी जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेचता था। गणेश बहुत ईमानदार इंसान था। वो कभी भी किसी को धोखा नहीं देता था, इसलिए वो कभी भी खराब लकड़ी किसी को नहीं बेचता था। वो पास के जिस जंगल से लकड़ियां लाया करता था, उस जंगल में अच्छे लकड़ी का पेड़ ज्यादा नहीं मिलता था, इसलिए हर रोज गणेश बहुत कम लकड़ियां जंगल से ला पाता था। कम लकड़ी बेच पाने से गणेश को घर चलाने में मुश्किल हो रहा था। वैसे ही एक दिन गणेश बहुत जल्द घर लौट आता है। अरे, आप आ गए, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। हाँ हाँ, पानी लाओ, मुझे बहुत प्यास भी लगी है और मैं बहुत थक भी गया हूँ। ये लो, थोड़ा गुड़ और पानी। ये क्या, रोज की तरह आज भी इतना ही लकड़ी? हाँ, पूरे जंगल में बेचने लायक मुझे अच्छी लकड़ी नहीं मिली। ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। अरे तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई हल जरूर मिलेगा। हम लोग तो इतने भक्ति से भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान कभी ना कभी हम लोगों पर कृपा जरूर करेंगे। तुम धीरज रखो। अच्छा, तुम एक काम क्यों नहीं करते, सामने वाले पहाड़ के पीछे जो जंगल है? पर वो जंगल तो बहुत दूर है और रास्ता भी कठिन है, इसलिए तो वहां कोई जाता नहीं है। चलो ठीक है, तुम बोल रही हो तो कल एक बार वहां जाता हूँ। अगले दिन सुबह गणेश जल्दी उठकर सामने वाले पहाड़ के पीछे वाले जंगल में जाने के लिए निकल पड़ा, पर जंगल का रास्ता उसे ठीक से मालूम नहीं था। रास्ता ढूंढकर उस जंगल में पहुंचने में उसका पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन उस जंगल में पहुंचकर गणेश बहुत खुश हो जाता है। लगता है यहाँ बहुत सारी अच्छी लकड़ी मिलेगी, ईश्वर हमारे साथ है। आज तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, शाम भी होने को है। आज थोड़ा सा लकड़ी लेकर घर चला जाता हूँ, कल फिर आऊंगा। घर में लक्ष्मी बेसब्री से गणेश का इंतजार कर रही थी। गणेश लौटते ही लक्ष्मी ने गणेश से पूछी, आज का दिन कैसा रहा, वहाँ लकड़ी मिला क्या? हाँ, सब कुछ ईश्वर की कृपा है, वहाँ बहुत सारे अच्छे लकड़ी के पेड़ है। आज वहाँ पहुँचने में देर हो गई थी, इसलिए थोड़ी सी ही लकड़ी लाया। कल सुबह जल्दी उठकर लकड़ी काटने के लिए चला जाऊंगा। फिर अगले दिन सुबह लकड़ी काटने के लिए गणेश उस जंगल में पहुंच जाता है। आज गणेश बहुत जल्दी पहुंच गया था। इतने दूर जल्दी जल्दी चलने के वजह से उसे बहुत ज्यादा प्यास लगता है। तभी पानी पीने के लिए वो नदी ढूंढने लगा। मुझे बहुत प्यास लगी है, पर आसपास तो कोई नदी भी नजर नहीं आ रही। उस तरफ जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ कोई नदी मिल जाए। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक नदी दिखाई देता है। गणेश उस नदी के पास जाते ही वहाँ का शोभा देखकर गणेश चौंक जाता है। नदी का किनारा सुनहरी रेत से ढका हुआ था। बाप रे, कितना सुंदर दृश्य है, लगता है किसी अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। जंगल के बीच में इतनी सुंदर नदी, इस नदी का पानी तो एकदम कांच की तरह साफ है। जाकर थोड़ा पानी पी लेता हूँ और हाथ मुंह भी धो लेता हूँ। उस नदी का पानी इतना साफ था कि पानी के नीचे के रेत सूरज के किरणों से एकदम सोने की तरह चमक रहा था, और उस पानी में खेलते हुए मछली एकदम हीरे की तरह चमक रही थी। ये सब देखकर गणेश बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, इस नदी का पानी तो बहुत ठंडा और मीठा भी है, और इस नदी में तो बहुत सारी मछली भी है। आज तो एक मछली पकड़ के ही घर जाऊंगा, बहुत दिन हो गया मछली खाए हुए। लक्ष्मी भी बहुत खुश हो जाएगी। फिर गणेश बहुत सारा लकड़ी काटकर इकट्ठा कर लेता है, उसके बाद मछली पकड़ने लगता है। पर एक भी मछली उसके पकड़ में नहीं आ रही थी।
बहुत कोशिश करने के बाद एक मछली पकड़ में आई। गणेश भी खुशी से अपने घर की तरफ चलने लगा। शाम तक वो घर पहुंच गया। अरे लक्ष्मी, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, देखो आज क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। आती हूँ बाबा। क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे बाप रे, कितनी सारी लकड़ी, और ये क्या, साथ में एक मछली भी लाए हो? एकदम चांद की तरह चमक रही है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? वहाँ उस जंगल में एक नदी है, वहाँ से पकड़ कर लाया हूँ। इसे अच्छे से पकाना, बहुत दिन के बाद मछली खाऊंगा। तभी लक्ष्मी मछली काटने के लिए बैठ जाती है। जैसे ही लक्ष्मी मछली के पेट काटने लगा, तभी मछली के पेट से चार पांच बड़े बड़े चमकता हुआ सफेद पत्थर निकलकर जमीन पर गिरा। उस पत्थरों को देखकर लक्ष्मी के आंखें खुली की खुली रह गई। अजी सुनते हो, मछली के पेट से चमकता हुआ पत्थर जैसा कुछ निकला है, आकर देखो जरा। क्या पत्थर? मछली के पेट में पत्थर कहाँ से आएगा? गणेश तब भाग कर वहाँ जाता है। उन पत्थरों को देखकर वो भी चौंक जाता है। अरे सच में, पर ये तो पत्थर नहीं लग रहा है, ये तो चमक रहा है, कहीं ये हीरा तो नहीं? हो भी सकता है। तुम एक काम करो, इस पत्थर को लेकर पास के गांव के सुनार के पास जाकर पूछो। पर एक बात का ध्यान रखना, सच्चाई के बारे में सुनार को भनक भी नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें बोलना कि तुम्हारे एक दोस्त ने तुम्हें दिया है इसे जांच करने के लिए। अगले दिन सुबह गणेश उस पत्थर को लेकर पास के गांव के सुनार के पास गया। क्या है? जी वो मुझे कुछ आपको दिखाना है। हाँ क्या है, दिखाओ। गणेश तब अपनी पोटली से एक पत्थर निकालकर सुनार के सामने रखता है। उस चमकती हुई पत्थर को देखकर सुनार की आंखें फटी की फटी रह गया। ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? जी वो मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया है जांच करवाने के लिए। आप देखकर बता सकते हैं कि ये क्या है? सुनार उस पत्थर का अच्छे से जांच करने के बाद गणेश को कहा, ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये हीरा है, हीरा। तुम्हारे दोस्त को ये सब कहाँ से मिला? मुझे नहीं पता, उसने बस दिखाने के लिए दिया था। गणेश ज्यादा बात नहीं बताता, चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। फिर घर आते ही, अरे लक्ष्मी, हम तो अमीर बन गए, ये सब पत्थर सच में हीरा है, हीरा। ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली। अगले दिन सुबह गणेश फिर से मछली पकड़ने के लिए उस नदी में जाता है। उस दिन गणेश बहुत सारी मछली पकड़ता है। मछली पकड़ते समय कुछ रेत उस मछलियों के साथ चला आता है। उसे लेकर ही गणेश घर वापस आ जाता है। लक्ष्मी देखो आज मैंने कितनी सारी मछलियाँ पकड़ कर लाई है। लक्ष्मी आकर उस मछलियों को गणेश के हाथ से लेकर जब जमीन पर फैलाती है, तब जमीन पर पड़े हुए उस सुनहरी रेत पर लक्ष्मी की नजर जाती है। अरे ये क्या, ये रेत ऐसे सोने की तरह क्यों चमक रही है? देखो तो जरा, कहीं ये सच में सोना तो नहीं है? इस बात से दोनों फिर से चौंक जाते हैं। सुनो, तुम एक काम करो, इस रेत और उस हीरो को लेकर शहर के किसी सुनार के पास चली जाओ। अगर ये भी सोना निकला तो दोनों चीज को ही बेच कर आना। लक्ष्मी के बाद गणेश मान लेता है और दूसरे दिन सुबह दूर शहर के एक सुनार के पास जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि वो रेत सोना है, तो गणेश सभी हीरा और सोना बेचकर बहुत सारा पैसा लेकर आता है। कुछ दिनों में ही गणेश एक अच्छा सा घर बना लेता है। उन दोनों की जिंदगी खुशियों से भर जाता है।